मैं हूँ क्राइम मदारी। गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में आए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो शार्प शूटर। पटोदी के खोड गांव में ठाकरान बंधुओं को उतारा था मौत के घाट। यूपी पुलिस ने दोनों शूटर्स पर रखा हुआ था 1-1 लाख का इनाम। दोनों को रिमांड पर लेकर अब अपनी पुलिस जी कर रही है पूछताछ। पटोदी ब्लॉक के खोड़ गांव में हुई ठाकरान बंधुओं की हत्या के मामले में वांछित गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के दो शार्प शूटर्स अब गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। ये दोनों हत्या के एक मामले में सोनीपत पुलिस ने किए थे गिरफ्तार और अब अपनी पुलिस जी ने प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है। बस इस नई तरह की उपलब्धि पर अपनी पीठ थपथपा रही पुलिस जी ने अब लिया है इन दोनों को रिमांड पर और कर रही है पूछताछ। शुरुआती पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए जिसमें इन्होंने बताया कि ये दोनों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं और दोनों पर हत्या के 5-5 मुकदमे हैं दर्ज। गांव खोड़ में दो सगे भाइयों की हत्या में भी ये दोनों शूटर शामिल रहे। अपनी पुलिस जी की गिरफ्त में खड़े ये दोनों शातिर बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के शार्प शूटर्स हैं जो अपने आका के इशारे पर अब तक एक के बाद एक करके करीब दर्जन भर से ज्यादा आपराधिक वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। इन दोनों की पहचान मनीष उर्फ सन्नी काकरान और मोहित उर्फ अतुल उर्फ मोटा के तौर पर हुई है, जिन पर यूपी पुलिस ने घोषित किया हुआ है 1-1 लाख का इनाम। पटोदी इलाके में खोड़ गांव में दो सगे भाइयों की हत्या के मामले में भी ये दोनों शार्प शूटर्स अहम थे। यहां बता दें कि ठाकरान बंधु हत्याकांड में गुरुग्राम पुलिस अब तक कुल 14 आरोपियों को कर चुकी है गिरफ्तार। अपनी पुलिस जी की गिरफ्त में आए दोनों शार्प शूटर्स बड़े ही शातिर किस्म के अपराधी हैं। एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह सांगवान ने बताया कि मोहित और मनीष गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के शार्प शूटर्स हैं। ये हत्या आदि की वारदातों को अंजाम देने के बाद पुलिस को चकमा देने के लिए मोबाइल तक का प्रयोग नहीं करते थे। दो सगे भाइयों का हत्या कर गोलियां मार के हत्या की गई थी, जिसके संबंध में हमने पटोदी पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें 12 आरोपियों को अब तक हम गिरफ्तार कर चुके हैं और उसमें जो मेन शूटर उसके थे जिन्होंने फायरिंग की थी, उन दो अभियुक्तों को हमने प्रोडक्शन वारंट पे लाके और कल गिरफ्तार किया है, जिनके नाम मनीष उर्फ सन्नी काकरान तथा मोहित उर्फ अतुल उर्फ मोटा हैं। ये दोनों काफ़ी केसेस में पहले इन्वॉल्व रहे हैं। ये लगभग 8-8, 10-10 के करीब वारदात लूट की हैं इनके ऊपर और 5-5 मर्डर दोनों ने कर रखे हैं अलग अलग जगह पे। यूपी पुलिस से 1-1 लाख रुपए का इनाम भी इन पे घोषित है और इनकी हमारे यहाँ इस डबल मर्डर में अहम भूमिका रही। इन्होंने जो ये ग्रुप था उसके कहने से और यहाँ पे आके हथियारों से फायरिंग की और उस हत्याकांड को अंजाम दिया। हमने इनको गिरफ्तार करके और 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है। जो हथियार इन्होंने यूज़ किए हैं ड्यूरिंग पुलिस रिमांड, उनको बरामद किया जाएगा। तो साहेबान वो कहते हैं ना कि दिल बहलाने के लिए अच्छा नाम है दिल्ली, चलो कुछ तो हाथ लगा। अपनी पुलिस जी के हाथ में आए ये दोनों अपराधी पूछताछ में कर सकते हैं बड़े खुलासे। इनके आका का एक खास गुर्गा गोल्डी बराड लगातार सुर्खियों में है और दे रहा है धमकी पे धमकी, लेकिन अपनी पुलिस जी चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रही। गुरुग्राम पुलिस सोनीपत से इन दोनों को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई और इन दोनों से अब चल रही है पूछताछ। अपनी पुलिस जी को भरोसा, विश्वास और यकीन है कि ये दोनों पूछताछ में उगलेंगे बड़े राज। तो करिए इंतजार और देखते रहिए क्राइम मदारी। हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट न पाए।